राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ खरगोन जिला अध्यक्ष धीरज मिश्रा के नेतृत्व में 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के किसानों ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर तिरंगा लगाकर मंडी प्राणगढ़ से होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पर किसान संघ द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान के साथ ही मंडी प्राणगढ़ में समापन किया गया। इस अवसर पर सरपंच दिनेश मुकाती, सीताराम पटेल, आप सिंह माली और आशा राम, काशी राम, सुभाष, सुमित वर्मा, जुनेद सहित किसान उपस्थित रहे। उद्देश्य निकालिए, ये तिरंगा यात्रा जो है आज पूरे देश में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में ये तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल निकाली गई। इसका मूल उद्देश्य है कि 135 करोड़ जनता का पेट भरने वाला किसान भी 75वीं आज़ादी के जश्न में शामिल है और हम किसान भी देशभक्त हैं। किसानों को कहीं नामों से पुकारा गया है लेकिन किसान देशभक्त है। हम इस बात के लिए आज तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा हमने निकाली है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम 135 करोड़ जनता को भूखे मरने नहीं देंगे और हम दुख सुख में कैसे भी जी लेंगे लेकिन इस भारत देश की जनता को भूखे मरने नहीं देंगे और इस भारत देश की जनता को जो 75वीं आज़ादी है, आज़ादी की वर्षगांठ है, उसके लिए सभी किसान भाइयों की तरफ से, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की तरफ से सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये तिरंगा यात्रा आज जो है मंडी प्रांगण से सेगांव भ्रमण करती हुई वापस मंडी प्रांगण में समाप्त की गई है और हर जगह हमारे संयुक्त किसान मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के कार्यकर्ताओं ने सभी दूर ये रैली निकाली है। क्या नाम लिखते? धीरज मिश्रा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सेगांव से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।